शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में 29 वार्डों में 1,44,000 मतदाता है। यह मतदाता अपने मत का प्रयोग कर 29 पार्षद का चयन करेंगे और यह पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे चुनाव के कारण अध्यक्ष चुनने के लिए 1,44,000 मतदाताओं की ताकत किसी एक वार्ड के कुछ हजार मतदाताओं के हाथों पहुँच गई है। 30 से 39 वर्ष के आयु के 55% मतदाता शहर के 1,44,000 मतदाताओं में से 79,096 यानी करीब 55% मतदाता युवा है। नगर पालिका में सबसे अधिक मतदाता 30 से 39 वर्ष आयु के हैं। शिवपुरी में दो चरणों में मतदान होगा, जिसमें पहले चरण में खनियाधाना, बदरवास और रनौद में होंगे। शिवपुरी नगर पालिका सहित शेष नगर परिषदों में दूसरे चरण में मतदान होगा। चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। निकाय चुनाव का समय आ गया और तारीख भी आ गई है, और आज आपने प्रेस वार्ता की, किस विषय पे आज इस बात की? ये जो शेड्यूल है नगरीय निकाय के निर्वाचन की, उस पर चर्चा हुई कि कौन सी तिथि को क्या एक्टिविटी गतिविधि होने वाली है। इसके अलावा जो विभिन्न निर्देश जारी हुए हैं वो बताया, और निर्वाचन से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उस पर चर्चा हुई है, और मीडिया के साथियों के जो प्रश्न थे उन पे चर्चा हुई। मुख्य बात ये थी जी, शहर में कुछ संवेदनशील जगह हैं, उन पे क्या व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी सर? नगर निकाय चुनाव अभी संवेदनशीलता व अति संवेदनशीलता का आकलन हो रहा है। जो भी मतदान के संवेदनशील या अति संवेदनशील होंगे उन पे अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे मेजर्स होते हैं, जैसे CCTV होता है, वीडियोग्राफी होता है, ये व्यवस्था भी करेंगे। तो सर पानी की समस्या को भी लेकर लोग शहर में, अगर इस तरह की बोलते हैं कि पानी नहीं है शहर में, बोर्ड वाली बात जो भी चल रही थी, इस पर क्या? हाँ, ये बीच बीच में सूचना आती रहती है, आज भी इस पर चर्चा हुई है, और नगर पालिका को इस संबंध में सूचना देंगे कि पानी तो बहुत ज़रूरी आइटम है, उसमें जो भी व्यवस्था कर सके वो करनी ही पड़ेगी, और अगर उसमें किसी अनुमति की आवश्यकता लगती है तो अनुमति भी देंगे या आयोग से अनुमति लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।